सांसद ने अलवर शहर की व्यवस्थाओं के ऊपर ली अधिकारियों की बैठक, दिए निर्देश। जी हाँ, सांसद भूपेंद्र यादव ने मिनी सचिवालय पहुंचकर जिला स्तरीय बैठक में शामिल हुए और अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने शहर के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। सांसद भूपेंद्र यादव ने कहा कि दो दिन से लगातार अच्छी बारिश हो रही है और अच्छी बारिश का हम सभी को इंतजार रहा था। उन्होंने कहा कि नालों की व्यवस्था के ऊपर चर्चा की गई। एक बड़ा विषय है कि नालों की सफाई नहीं होने से शहर में पानी भर जाता है। 8 जुलाई से नई JCB भी मंगवाई गई है, जिससे नालों की सफाई के काम सुचारू रूप से सही होंगे। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती प्लास्टिक को लेकर है। लोग क्या करते हैं, पहली बार देखने को मिला है कि कहीं कार्यक्रम होते हैं तो गुलदस्ते, प्लास्टिक थैलियाँ देते हैं, सामान लेने जाते हैं तो प्लास्टिक थैलियों का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन की व्यवस्था चाक चौबंद जब होगी, जब नागरिक भी उसमें सहयोग करेगा। इन सभी मुद्दों को लेकर आज उन्होंने नगर निगम, जिला कलेक्टर, PWD व तमाम अधिकारियों की मीटिंग ली, उनको दिशा निर्देश दिए। आने वाले समय में इन सभी कामों को सुचारू रूप से सही चलाया जाए और आम जनता को कोई भी तकलीफ ना हो। बैठक आपने ली है, देखिए कुल मिलाकर के एक तो अच्छा विषय है कि बारिश हो रही है और हम लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश के इंतजार के साथ बारिश का इंतजाम भी पर्याप्त है। इसको लेकर के नगर परिषद, PWD और सारे डिपार्टमेंट्स के साथ अनुवर कलेक्टर महोदय के यहाँ एक व्यापक बैठक करी, मेयर भी साथ में थे। शहर के नालों की सफाई एक बड़ा विषय है, उसकी समीक्षा की गई और अभी 8 तारीख से नई JCB और ट्रैक्टर्स की अतिरिक्त व्यवस्था भी की जाएगी। सारे पार्षदों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बने ताकि नालों की सफाई पर काम हो। सबसे बड़ी जो चुनौती और समस्या है वो प्लास्टिक को लेकर के है। लगातार प्लास्टिक के कारण नाले बंद होते हैं, थोड़ा एनफोर्समेंट भी रहता है। तो मैं अलवर के सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लास्टिक का प्रयोग ना करें, गुलदस्ते देते समय प्रयोग ना करें, सामान कपड़े के थैले लेकर के जाएं, अपने घर से प्लास्टिक ना जाए। हमारा जाने वाला जो प्लास्टिक है वो हमारे शहर के नालों को रोक रहा है, तो प्रशासन की व्यवस्था भी चाक चौबंद जब होगी, जब नागरिक उसमें सहयोग करेंगे, तो मेरा फिर आग्रह होगा प्लास्टिक का प्रयोग ना हो। बाकी सारी व्यवस्थाओं की समीक्षा करिए, नालों की सफाई से लेकर पुराने जो सीवरेज है, क्रॉसिंग पॉइंट है, एनफोर्समेंट के विषय है, जहाँ पर JCB पहुँचानी है, खुदाई करवानी है, अतिरिक्त ट्रैक्टर लगाने, वो सारी समीक्षा की गई। और इसके साथ ही साथ रिवाड़ी में भी जो पानी जमा होता है, एक बात तो कल मैंने अखबार में देखी थी कि इस बार इंडस्ट्री वाला पानी नहीं आया, तो उसके लिए भी जो उनका जो प्लांट लगा है STP का, वो और ज़्यादा मजबूत हो, इस बारिश के सीजन को हम पार करें और अगले बारिश तक सारी व्यवस्थाएँ हों। इसके लिए कल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिल के आया और हम नागरिकों के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से सभी चीजों का मुस्तैदी के साथ समीक्षा करेंगे। बजट मिलने जाने ये चीजें जरूरी है ना, जब प्लास्टिक घर से फेंकोगे तो बजट क्या करेगा, वो तो सारा विषय है ही, वो तो करने का विषय है ही, लेकिन अभी जो हमारी व्यवस्था है उसमें अतिरिक्त व्यवस्था लगा करके बारिश के प्रबंध को हम पूरा करेंगे। उन्हीं नालों को रोकने के लिए JCB और बाकी रिक्शा के काम